हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनरे। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने मशीन का डेट एंड टाइम और कंप्यूटर का नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं ग्राफिकली भी और कमांड लाइन के साथ भी, वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर के नाम के साथ। देखिए, आपने इंस्टॉलेशन के वक्त लिनक्स मशीन को नाम तो दिया ही होगा, लेकिन अगर आपको उसके बाद में उस कंप्यूटर का नाम चेंज करना रहा तो चेंज करने के लिए आप ग्राफिकल ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ कमांड लाइन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल ऑप्शन दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस कंप्यूटर का नाम क्या है हमें पता करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक ओपन टर्मिनल किया। एज यू कैन सी, मुझे प्रॉम्प्ट पे ही पता चला है कि ये @NSK-RHEL7-04, मतलब ये मैंने एक कंप्यूटर का नाम है। आपके केस में ये कंप्यूटर का नाम कुछ भी हो सकता है, या फिर उसे कंफर्म करने के लिए आपको होस्ट नेम नाम की कमांड तो मैंने पहले ही बता दी थी। सो होस्ट नेम से भी आपको कंप्यूटर का नाम पता चलता है। अब मुझे इस कंप्यूटर का नाम ग्राफिकली चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए रूट के एक्सेस चाहिए, या फिर आपको एक सुपर यूजर के अलावा, जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे हम इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके राइट्स चाहिए। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रूट से लॉगिन हूँ। अब देखिए, जहाँ का भी जो भी यूजर लॉगिन है उसके सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग इज नथिंग बट अ कंट्रोल पैनल इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो मैं अपने सेटिंग में आ चुका हूँ, मतलब मेरे लिनक्स के एक कंट्रोल पैनल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये डिटेल्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे पता चला कि इस मशीन से रिलेटेड जानकारी पता चल रही है कि मशीन का नाम क्या है, ये रहा मेरा नाम, इसका वर्जन क्या है, 7.0 मईपो एडिशन है, मेमोरी, प्रोसेसर और मेरे जीनोम का वर्जन। अब मुझे इस कंप्यूटर का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूंगा 01, पहले 04 था, अब मैंने 01 कर दिया। इसे मैंने क्लोज किया, राइट क्लिक ओपन टर्मिनल। अब अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम कमांड टाइप करूँ ना, तो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या आ गया, 01। हालांकि मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे भी मेंशन किया गया है। ये तो हो गई एक मेथड कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए। अब कंप्यूटर का नाम चेंज करने की और एक मेथड है, और वो मेथड है आपको सेम सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर आपको ये शेयरिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसका नाम रखूँगा 02, बस मैंने टाइप किया, इसे क्लोज किया, नेक्स्ट टाइम ओपन अ टर्मिनल। आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है होस्ट नेम, देखिए 02 इसका नाम सेट हो चुका है। ओके, ये तो हो गए ग्राफिकल मेथड दोनों भी। अब मैं आपको कुछ टूई मेथड बताऊंगा। टूई इज नथिंग बट जो ग्राफिक्स और कमांड लाइन से बीच में ही कुछ अलाइन करता है। अब जो मैं आपको ऑप्शन दिखाने वाला हूँ या फिर जो कमांड दिखाने वाला हूँ उसका नाम है NM2E। अब ये NM2E देखा जाए तो आपके कंप्यूटर को IP असाइन करने में भी काफ़ी यूजफुल कमांड है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिलहाल के लिए मैं अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो NM2E के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे NM2E लिखना है, एंटर देना है। एंटर देने के बाद आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अप डाउन एरो प्रेस कर सकते हो। देखिए, जब कभी आप किसी टूई टूल का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका माउस वहाँ पे काम नहीं करता, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की मदद से ही उसको नेविगेट करना है। नाउ अब मैं जाऊँगा डाउन एरो प्रेस करते हो, सेट अ सिस्टम होस्ट नेम। यहाँ पे आने के बाद मैंने एंटर दिया, इसका नाम हम रखेंगे 03। टैप प्रेस कीजिए, ओके कर दिया, इसे ओके, देन अगेन होस्ट नेम कमांड आप जब टाइप करोगे तो आपके कंप्यूटर का नाम 03 आ चुका है। ओके, तो हमने ग्राफिकल भी कंप्यूटर का नाम चेंज करना देख लिया, हमने टूई टूल के थ्रू भी कंप्यूटर का नाम चेंज करना देख लिया। अब हम देखेंगे प्योरली कमांड लाइन टूल जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हो। ओके, अब देखिए, जब तक आप यहाँ पे होस्ट नेम कमांड रन नहीं करते ना, तब तक आपको कंप्यूटर का नाम नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो आपके प्रॉम्प्ट पे नजर आ रहा है ना 02, क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रॉम्प्ट को बंद नहीं किया था। जब मैं इसे बंद करके रीओपन करूंगा ना, तो देखिए नाम वो बराबर से ले लेगा। ओके, क्योंकि मैंने सडन चेंज किए थे, उसकी वजह से वो नाम उसने अपडेट नहीं किया। बाय द वे, आप उसे होस्ट नेम कमांड से ही कंफर्म कीजिए जब कभी आपको डाउट रहा तो। अब जो प्योरली कमांड लाइन कमांड है वो है आपकी होस्ट नेम CTL। देखिए, हमने सिस्टम CTL देखा था, यहाँ पे होस्ट नेम CTL। तो CTL जब कभी भी आएगा ना आपके सामने, समझ जाना कि वो सिस्टम के साथ कोई चेंजेस करने वाली कमांड है। जैसे कि
सिस्टम सीटीएल, होस्ट नेम सीटीएल, आगे हम देखेंगे डेट एंड टाइम सीटीएल। तो यहाँ पे सिस्टम सीटीएल ये कमांड है, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो यू कैन सी मेरे सामने यहाँ पे इन डिटेल जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे स्टैटिक नेम क्या है, फिलहाल हमने इसका नाम क्या दिया था, अब क्या चेंज किया, उसके बारे में जानकारी, सो एंड सो फोर्थ। ओके, अब मुझे इस कंप्यूटर का नाम चेंज करना है। हालांकि यहाँ पे स्टैटिक प्रेटली और आपको ये ट्रांजिट होस्ट नेम जो हमने मशीन को ऑन किया था उस वक्त 04 बताया था। नाउ अब मैं इस कंप्यूटर का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने होस्ट नेम सीटीएल कमांड टाइप की, टैप टैप। ओके, टैप टैप प्रेस करने के बाद आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे यूज करना है सेट होस्ट नेम। ओके, और आगे आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम असाइन कर दिए, जैसे कि अब मैं इस मशीन का नाम MUM-RHEL-7-01 लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया, अप एरो होस्ट नेम सी टी एल कमांड रन की, नाउ यू कैन सी इस कंप्यूटर का नाम चेंज हो गया, MUM-RHEL-7-01, या फिर आप होस्ट नेम कमांड से भी उसे कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अब तक ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ये कब होगा, जब आप टर्मिनल को बंद करोगे, रीओपन करोगे, तब जाके वो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पे उसका नाम अपडेट आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब इस होस्ट नेम सीटीएल के साथ अगर आपने ऑब्जर्व किया, ये आपको आपको कंप्यूटर आइकॉन भी नजर आ रहा है। अब नॉर्मली कंप्यूटर आइकॉन का हम यूज क्यों करते हैं, मान लो आपके ऑफिस के अंदर काफी सारे लिनक्स के मशीन से सबके ऊपर एक जैसी सेटिंग है, लेकिन कौन सा कंप्यूटर कौन से डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया गया है, कौन से ब्रांच के लिए असाइन किया गया है, उसे आप यहाँ पे आइकॉन नेम के थ्रू मेंशन कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल ये सिर्फ कंप्यूटर बता रहा है, अब मुझे होस्ट नेम सीटीएल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं टैप टैप प्रेस करूंगा, सेट आइकॉन नेम, और आइकॉन नेम यहाँ पे होगा HR। तो मान लो ये कंप्यूटर मेरे HR डिपार्टमेंट का है, एंटर प्रेस किया, अप एरो होस्ट नेम सीटीएल कमांड रन की, नाउ यू कैन सी आइकॉन नेम HR, मतलब समझ जाना कि ये जो मैंने कंप्यूटर असाइन किया था MUM-RHEL-7, ये HR के बंदे यूज करते हैं। ओके, सो जस्ट आपके डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में ये यूज होगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे फिर से, होस्ट नेम सीटीएल के साथ आपको और एक ऑप्शन नजर आ रहा है, हमने सेट होस्ट नेम देख लिया, सेट आइकॉन नेम देख लिया, अब यहाँ पे ये स्टेटस क्या है। वैसे देखा जाए तो होस्ट नेम सीटीएल से जो रिजल्ट आपको मिलता है, वही रिजल्ट आपको होस्ट नेम स्टेटस, माफ कीजिए, यहाँ पे होस्ट नेम स्टेटस से कमांड से भी मिलेगा। ओके, सो देखा जाए तो होस्ट नेम सीटीएल और होस्ट नेम सीटीएल स्टेटस ये दोनों ही एक जैसे ही काम करती हैं। क्लियर? तो अब हमने देखा कंप्यूटर का नाम कमांड लाइन ने ग्राफिकली और हमारे NM2A के साथ चेंज करना। अब मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहता हूँ, जब कभी भी आप कंप्यूटर का नाम चेंज करते हो किसी भी फॉर्म के थ्रू, वो डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली एक फाइल को एडिट करता है। अब वो फाइल होती क्या है, एक्चुअली वो फाइल होती है आपकी कंप्यूटर के नाम को कैरी करने के लिए, और उसका लोकेशन है ETC। बाय द वे मुझे कंटेंट देखना है इसलिए मैंने यहाँ पे कैट टाइप किया, सो /etc जो आपके सभी सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल को कंटेक्ट करती है। होस्ट नेम वाली वो फाइल है जहाँ पे एंटर देने के बाद मुझे अपने कंप्यूटर का नाम नजर आ रहा है। अब मान लो आपको डायरेक्टली फाइल के अंदर जाके उसका नाम चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे VIM यूज करना है, ETC होस्ट नेम, इस फाइल के अंदर हम गए, यहाँ पे I प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर का नाम फिर से NSK-RHEL-7-04 आ जाए। ओके, 04, एस्केप शिफ्ट कोलन WQ। अब होस्ट नेम कमांड से अगर मैं एंटर करूं, देखिए मेरे कंप्यूटर का नाम चेंज हो गया। राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, नाउ यू कैन सी, बाय द वे यहाँ पे मैंने गलती से NKS कर दिया है, लेकिन आपको आइडिया आ ही गई होगी। तो ये वो फाइल है जहां पे आप अपने कंप्यूटर का नाम डायरेक्टली जाके चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज करना ग्राफिकली और कमांड लाइन के साथ भी। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज करना ग्राफिकली भी और कमांड लाइन के साथ भी। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिकल व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने मशीन का डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ।
देखिए, जब आप कंप्यूटर के डेट एंड टाइम की बात करते हो ना, तो डेट एंड टाइम तीन तरह से मेंटेन किया जाता है। एक तो आपके हार्डवेयर के थ्रू, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर एक बायोस चिप होगी, जहाँ पे आपको सीमोस के अंदर जो टाइम आपने सेट किया है ना बायोस चिप का, तो वो आपके मशीन को टाइम प्रोवाइड करता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद आपके लिए टाइम प्रोवाइड करके देती है, हालांकि वो आपके बायोस से ही टाइम उठाएगी, लेकिन अगर आप चाहे तो आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट एंड टाइम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो। और एक आखिरी ऑप्शन होता है आपका NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप अपने मशीन को इंटरनेट के थ्रू सिंक करवाते हो, जिससे आपका डेट एंड टाइम एक्यूरेटली आ जाए। अब ये क्यों किया गया है? मान लो आप इंडिया में बिलोंग करते हो और आपकी जो ब्रांच है वो दुनिया के किसी और कोने में, और आपको तो पता है कि अगर आपका डिस्टेंस चेंज होता है, ओके, कॉन्टिनेंटल वाइज या फिर कंट्री वाइज, तो वहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडिया में अगर यहाँ पे दिन है तो दुनिया के किसी और कोने में रात हो सकती है। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ना, इसे सिंक करने के लिए आपको NTP सर्वर्स बना के दिए है, ओके। सो अब इतना हो बताने के बाद, अब मैं अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज करने वाला हूँ। सो डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए आपको ये ऊपर की तरफ ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको डेट एंड टाइम वाला सेटिंग पे आप चले जाओगे। इसे एक्सेस करने की और एक मेथड है, और वो मेथड है जो कोई भी लॉगिन यूजर है उसके सेटिंग में जाइए, हालांकि उसको करने के लिए आपके रूट के क्रेडेंशियल्स चाहिए, राइट्स चाहिए, और इस सेटिंग के अंदर आपको ये डेट एंड टाइम नाम का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसे ओपन करने से मेरे सामने वही पैनल आ चुका है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे NTP टाइम ऑन है, मतलब क्या, मेरी ये मशीन नेटवर्क के थ्रू सिंक हो रही है, लेकिन मैं इसे बंद करना चाहता हूँ, तो जस्ट आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। तो जैसे मैंने इसे ऑफ किया, अब इसने मुझे लोकल टाइम सोर्स पूछा गया, क्लियर। बायस के थ्रू भी इसे डेट एंड टाइम मिली है, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इसका डेट एंड टाइम चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक जगह पे आपको यहाँ पे मैप नजर आ रहा है, इस मैप में आपका फिलहाल लोकेशन है, रीजन है एशिया, और कंट्री है कलकत्ता। अगर आपको उसे चेंज करना रहा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ यूरोप, और यूरोप की कौन सी, डेल्विन। सो यू कैन सी यहाँ पे यूरोप में मैं अपना लोकेशन चेंज कर दिया है। सो यहाँ पे आप अपने रीजन को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको टाइम चेंज करना, तो अप डाउन एरो करके अपनी मशीन का टाइम चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर मिनट्स आल्सो। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करें ना, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे नजर आ रहा है। अगर आपको मंथ चेंज करना रहा, तो आप मंथ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको डेट चेंज करनी रही, या आपको साल चेंज करना रहा, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इवन दैट, अगर आपको यहाँ पे 24 का क्लॉक ना चाहते हुए AM PM का फॉर्मेट चाहिए, तो आप उसे भी सेट कर सकते हो, AM और PM, ओके। या फिर अपने मशीन को डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू सिंक करा दीजिए, तो नेटवर्क सर्वर्स आपके लिए डेट एंड टाइम को एडजस्ट करके देंगे। तो ये तो होगी मेथड ग्राफिकली आपकी मशीन का डेट एंड टाइम चेंज करने की। अब मैं आपको यहाँ पे कमांड लाइन मेथड बताने वाला हूँ डेट एंड टाइम चेंज करने की, लेकिन उसके लिए मैं एक जगह पे इसका ग्राफिकल व्यू ओपन रखूंगा और दूसरी जगह पे उसका कमांड लाइन व्यू। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ग्राफिकल कमांड के ऊपर ही होने वाला है, ओके। सो अब जो मेरी कमांड है वो है टाइम डेट CTL। बाय द वे, इससे पहले हम नॉर्मल कमांड देखेंगे। डेट कमांड से आपकी मशीन का डेट एंड टाइम आपको पता चलता है। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम डेट CTL। अगेन CTL आ चुका, मतलब क्या, ये कमांड मशीन के सेटिंग के साथ चेंज करेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइम डेट CTL कमांड रन की, मेरे सामने यहाँ पे कुछ जानकारी नजर आ रही है। अब इस जानकारी को अगर हम बराबर से पढ़ेंगे, तो ये डायरेक्टली मैप कर रही है उसी जानकारी की तरफ जिसको आपने यहाँ पे ग्राफिकली सेट किया है। जैसे कि मुझे बता जा रहा है कि मेरे मशीन का लोकल टाइम स्पैन जो है वो 2025:19 बता रहा है। ITC UTC यूनिवर्सल टाइम क्लॉक ये ऑन है, रियल टाइम क्लॉक कुछ अलग ही बता रहा है। देन इसका टाइम जोन यूरोप बता रहा है। NTP एनेबल नो, जिस हमने यहाँ पे NTP को ऑफ रखा था। RTC सिंक यस, और लास्ट और नेक्स्ट, मतलब इन डिटेल जानकारी आपके डेट एंड टाइम से रिलेटेड यहाँ पे बताई जा रही है। अब अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने रहे, जैसे कि मान लो
मुझे इसके अंदर चेंज करना है इसका एनटीपी स्टेटस। सो यहाँ पे मैंने सेट एनटीपी ये कमांड टाइप की। अब देखिए ऑब्जेक्ट कीजिए, मेरा फिलहाल एनटीपी स्टेटस क्या है, ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे टैप टैप प्रेस करूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू का मतलब क्या है, वो ऑन है, फॉल्स का मतलब क्या है, वो ऑफ है। फिलहाल मेरा ये एनटीपी ऑफ ही है, तो इसका मुझे रिवर्स क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रू। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट कीजिए ग्राफिकली कुछ चेंज हुआ, अगेन फिलहाल इसका स्टेटस ट्रू है। हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे तो देखिए एनटीपी ऑफ हो गया, एनटीपी ऑन हो गया। ऑब्जेक्ट कीजिए यहाँ पे, या अदरवाइज आप डायरेक्टली डेट टाइम डेट सीटीएल पे ही चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए एनटीपी मेरा फिलहाल ऑन है। ओके नाउ अब हम देखेंगे इस कमांड के और कुछ ऑप्शंस। वैसे देखा जाए टाइम डेट सीटीएल और टाइम डेट सीटीएल स्टेटस, ये दोनों ही आपको एक जैसा ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। ओके सो दोनों के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ अब इसे हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे सेट अ टाइम, सो हाइफन टाइम। अब देखिए फिलहाल इस मशीन का जो टाइम बताया जा रहा है ना, वो 5:39 AM बता रहा है, तो मुझे इसका टाइम रखना है एक्यूरेट टाइम जहाँ पे अब मैं वर्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो एक्यूरेट टाइम अभी का है वो है 10:10। सो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे भी और साथ ही साथ यहाँ पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यू कैन सी 10:10 AM आ चुका है। क्लियर। अब नेक्स्ट मुझे इसका क्या चेंज करना है, मुझे इसका चेंज करना है टाइम जोन। अब देखिए टाइम जोन होता क्या है, ये जो हमने ग्राफिकली जोन स्पेसिफाई किया है ना, यूरोप वगैरह, तो उसे हम टाइम जोन कहते हैं। तो उसका टाइम जोन आपको चेंज करना है, तो आप इस सेट टाइम जोन पे एंटर कीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी आप टाइम जोन स्पेसिफाई करते हो ना, तो आपको टाइम जोन बताना पड़ता है। अब कौन सा टाइम जोन है, उसके अंदर कैपिटल स्मॉल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग क्या है। ओके सबसे पहले दिक्कत यही आती है कि उसकी स्पेलिंग अगर गलती होगी तो वो लेगा नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है। अगर मैं फिर से टाइम डेट सीटीएल कमांड को रन करूं, तो यहाँ पे देखिए मेरे शुरू में ही आपको एक ऑप्शन दिया गया है लिस्ट टाइम जोन। तो अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ लिस्ट टाइम जोन और इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे, टाइप किया लिस्ट टाइम जोन, यू कैन सी मेरे सामने जितने भी स्पेसिफिक रीजन से एरिया जोन से उनकी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। ओके तो अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, एक तो आप इसे अपने पेपर के ऊपर लिख लोगे, या फिर आप यहाँ पे अपने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल अमेरिका न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी क्यू करके बाहर आ जाइए, और जो आपकी कमांड थी ना लिस्ट टाइम जोन, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। ओके सो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की ना, वो है कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके सो कंट्रोल शिफ्ट वी से भी आपके लिए वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाय द वे शॉर्टकट की किस तरह से यूज करनी है उसके रिलेटेड मैं आपको जल्दी एक वीडियो देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा टाइम जोन मैंने अमेरिका न्यूयॉर्क रखा है, प्रेस एंटर। ओके सो समथिंग इज रॉन्ग, ओके माफ कीजिए, यहाँ पे मुझे लिस्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सेट टाइम जोन करना है, क्योंकि लिस्ट से तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। कमांड है आपकी टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम जोन और आपका वो स्पेसिफिक टाइम जोन। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया, मेरा ये टाइम जोन चेंज हो चुका है। ओके सो लेट्स सी अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे हैं। तो हमने अब तक देखा लिस्ट टाइम जोन, जिससे हम लिस्ट चेक कर सकते हैं, एनटीपी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सेट टाइम से हम अपने टाइम को सेट कर सकते हैं, सेट टाइम जोन से अपने टाइम जोन को सेट कर सकते हो, स्टेटस से आपको वही रिजल्ट मिलता है जो आपको टाइम डेट सीटीएल कमांड से मिलेगा, और आखिर में बचा आपका सेट लोकल आरटीसी। अगर आपको आपके लोकल मशीन का टाइम चेंज करना रहा इन द फॉर्म ऑफ बायोस, आप उसे भी चेंज कर सकते हो, तो वो कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट्स सी मेरा ये आरटीसी वर्क कर रहा है कि नहीं। यस आरटीसी ये यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एक कमांड रन करेंगे सेट लोकल आरटीसी। ओके अब फिलहाल के लिए ये मेरा यस बता रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है
फॉल्स, सेट करके देखेंगे यू कैन सी लोकल आरटीसी, मतलब मेरे बायोस के थ्रू वो किसी का टाइम जोन सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बायोस के थ्रू उसका टाइम सिंक किया जाए तो मुझे यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा। तो मेरी मशीन का जो बायोस है वही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक योर एनटीपी को आप ऑन ऑफ करते हो ना, सेम उसी तरह से आप अपने लोकल टाइम स्पैन, मतलब आपके बायोस के टाइम स्पैन को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ये एस नजर आ रहा है। ओके सो आज के लिए इतना ही। आज हमने डेट एंड टाइम और कंप्यूटर का नाम चेंज करना देखा। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन आई एम योर फैकल्टी गणेश सोनने सेज बाय।